Very good morning, students. So we will have today, we know about what is arithmetic and four basic maths operations. What are the four basic maths operations? Basic, I mean, addition, subtraction, division, multiplication. These are the four basic operations. Maths तो ही क्या है, numbers and operations and operations. तो अभी numbers से हमको एक अगर मैं तीन लिखूं तो इसका मतलब है यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट हो यहाँ पर तीन बॉल है. I can know the quantity of what is there. But operation कैसा मालूम पड़ेगा unless and ever it is mentioned कि मुझे ये दो. अभी यहाँ पर मैं बता रही हूँ यहाँ पर तीन और दो, अभी उसके साथ क्या करना है, व्हाट डू आई डू विद दैट. सो ओनली विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन आई विल नो व्हाट टू डू विद द नंबर्स. यस, सो बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर तीन है, वहां पर दो है, तीन दो यहाँ पर फाइव, अगर माइनस है तो यहाँ पर वन है, करेक्ट. सो व्हाट टू डू विद द नंबर्स, ओनली द ऑपरेशन विल टेल अस एग्जैक्टली वॉट एग्जैक्टली आई हैव टू डू विद द नंबर, वेदर आई हैव टू एड और आई हैव टू सब्ट्रैक्ट और आई हैव टू डिवाइड और आई हैव टू मल्टीप्लाई. क्लियर? सो सिंबल्स ऑफ ऑल दीज आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविशन, मल्टीप्लीकेशन. सो दीज आर द सिंबल्स, हम ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट. एनी डाउट सो फार? So what is addition means? Okay, these are the symbols. Now addition means what? Combining. मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि आपको स्टेटमेंट सम्स आए तो आपको अगर एक स्टेटमेंट सम्स आएगा तो कैसे आप करोगे, तो उसमें आपको जानना है वर्ड्स. एडिशन माने दो नंबर्स को कंबाइन करता है, टू और मोर नंबर्स, टू और मोर नंबर्स उसको क्या करता है, कंबाइन यानी जोड़ता है, कंबाइन करता है उनके वैल्यूज को, उनके जो वैल्यूज हैं उनको कंबाइन करता है, करेक्ट. दिस इज व्हाट एडिशन दैट आई जस्ट नाउ गेव यू एग्जांपल. नाउ 15 प्लस 2 मींस आई एम कंबाइनिंग दीज टू एंड गेटिंग ओवर हियर 17. ओके, राइट. सो आई एम कंबाइनिंग दीज टू नंबर्स. नाउ व्हाट इज सब्ट्रैक्शन? Subtraction means I am taking away. Take away. Subtraction means take away. Okay, take away means वहां से निकालना है हमको. For example, now this 15 minus 2 is equal to I am taking away this 2 from 15. So you should know the terms in English. That's why we are teaching you this. You may know the addition or subtraction, but you should know how to express in English. Okay, so you take away. When I say take away 2 from 15, that means I have to घटाना है. Take away माने घटाना है. मुझे 2 को 15 में से take away करना है. So take away means 2. That is take away 2 from 15 is 13. See how I'm saying? Take away 2 from 15. From 15. 15 से. So the answer is 13. Now this is very important is when you want to know the see for example now this one ये जो answer है आई equal to के बाद जो answer है ये 13 क्या है, what is it? It is the difference. It is the difference. मान लीजिए मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ the difference is 13 when I minus from 15 a number the difference is 13. मैं यहाँ पर देख रही हूँ when I subtract from 15 a number. अब ये number मैंने आपको बताया नहीं है, a number the difference is 13. So what am I saying? Difference यानी कि जो answer है वो 13 है और जो और एक नंबर है 15 है, तो दूसरा नंबर क्या है मैं पूछ रही हूँ, व्हाट इज द अदर नंबर.
तो आप क्या करोगे, 15 में से 30 निकालोगे, तो आपको मालूम पड़ गया ना कि डिफरेंट ये दो, तो दूसरा नंबर क्या है, दो है। सो विच इज द अदर नंबर, अ नंबर, ये अ नंबर जो मैंने बताया, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 15 अ नंबर द, या यहाँ पर अ नंबर भी बता सकते हैं, अ नंबर 15, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट एक्स फ्रॉम 15 भी बता सकते हैं, एक्स फ्रॉम 15, एक्स माने यहाँ पे और एक नंबर है जो मैं नहीं बता रही हूँ, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट एक्स फ्रॉम 15 द डिफरेंस इज 13, ऐसे भी बता सकती हूँ। तो मैं एक्स को, ये 15 में से एक्स को निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे 13 है, तो ये एक्स क्या है मुझे फाइंड आउट करना है, बराबर। ओके, सो दैट हाउ यू फाइंड आउट व्हाट यू हैव टू सी डिफरेंस। सेम वे लिख लिया आपने, मैं बोर्ड रब करो, सेम वे, यस लिख लिया तो थम्स अप दे दीजिए। सो आपको क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, यू हैव टू राइट ओवर हियर इन इक्वेशन, यू हैव टू राइट सो दैट यू विल नो कि मुझे क्या करना है, ये क्या पूछ रहे हैं, ये कीवर्ड देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो यू शुड नो व्हाट टू डू। तो मुझे सब्ट्रैक्ट, ये क्या बता रहे हैं, 15 में से क्या निकालूं तो मुझे 13 मिलेगा, ऐसे करके बता रहे हैं। सेम वे में एडिशन में आपको सम यानी कि दो चीजों को, यानी 3 + 4 = 7, तो ये ही सम, सम ऑफ 3 and 4 is 7। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ 3, 3 और 4 को मैंने सम किया तो जुड़ा तो मुझे 7 मिलेगा, इसका मतलब ये होता है। सो सम ऑफ, ओके, सो व्हेन समवन टॉक्स टू यू इन इंग्लिश, आई वांट द सम ऑफ yesterday's रिपोर्ट एंड टूडेज रिपोर्ट, मैं आपको पूछ रही हूँ, आप काम कर रहे हो कि यहाँ पे, आई वॉन्ट द सम ऑफ yesterday's रिपोर्ट एंड टूडेज रिपोर्ट, इफ आई से लाइक दैट व्हाट इज द मीनिंग, कि मुझे टोटल चाहिए आपका कल का और आज का रिपोर्ट का सम ऑफ, सो दैट मीन्स आई वॉन्ट द टोटल, दैट मीन्स यू हैव टू एड, क्लियर, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सम ऑफ, व्हाट इज डिफरेंस, यस इफ यू आर क्लियर जस्ट गिव मी अ थम्स अप, नहीं तो इफ यू वांट मी टू रिपीट टाइप आर इन द चैट बॉक्स, यस यू आर क्लियर, ओके थम्स अप हैज कम अंजलि सोनी, सो सम ऑफ यू हैव टू, लाइकवाइज नाउ व्हाट इज डिवीजन, डिवीजन मींस व्हाट इज अ डिवीजन, डिवीजन मींस फर्स्ट वी गो फॉर मल्टीप्लीकेशन देन वी गो फॉर डिवीजन, then we'll go for division, all right, so multiplication means take one number and repeat it certain number of time, take a number and repeat it certain, now यहाँ पे certain number of times क्यों बोल रही हूँ, that means एक number लो, माना 5 मैंने ले लिया या 2 ले लिया, ओके 2 × 5, तो सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, अभी यहाँ पे ये नंबर कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो इसको टाइम्स बोलते हैं, ओके 2 × 5, ओके दिस मीन्स व्हाट इज द मीनिंग, इसका मतलब कितने हैं, ये दो दो 5 जो है दो ग्रुप में है, इसका मतलब है यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए 2 1 2 3 4 5, इसका मतलब यही हुआ कि जो 2 है वो 5 5 ग्रुप में है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या बोले एप्पल लिया है, और मैंने यहाँ पर एक रो बनाया है एप्पल का, और यहाँ पर एक रो बनाया है, ओके सो 2 5 10, सो व्हाट इज दिस कॉल्ड एज प्रोडक्ट, व्हाट इज कॉल्ड 2 × 5 प्रोडक्ट इज 10, व्हाट इज आंसर कॉल्ड एज प्रोडक्ट, जैसे एडिशन में आपको सम बोलते हैं और सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस बोलते हैं, ऐसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन में क्या बोलते हैं, इस इक्वल टू का जो आंसर आया प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट इज 10, ओके इफ आई मल्टीप्लाई 5 by - टाइम्स द प्रोडक्ट इज 10, अभी 5 5 मल्टीप्लाई 5
by dash times the product is 10. That means what? 5 को कितनी बार टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट जो है 10 आएगा. अब चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं दूसरा सवाल पूछ रही हूँ. इफ आई मल्टीप्लाई 5 बाई हाउ मेनी टाइम्स द प्रोडक्ट विल बी 15. इफ आई मल्टीप्लाई ओके 5 बाई हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम से मल्टीप्लाई किया द प्रोडक्ट विल बी 15. क्या पूछ रही हूँ मैं, मुझे 5 को किसके कितने टाइम्स मल्टीप्लाई तो प्रोडक्ट 15 आएगा करके मैं पूछ रही हूँ वर्ड्स में. यस आंचल से अंजलि सोनी से 3. सो इफ आई मल्टीप्लाई 3 टाइम्स ओके 5 इज सो इट इज मल्टीप्लाई सर्टेन नंबर. दिस इज अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम नंबर. दिस इज अ नंबर इट्स एंड इट्स रिपीट. इट्स अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स आई एम मल्टीप्लाइंग. क्लियर? Got it? Now, this one is basically multiplication is nothing but repeated addition. What do I mean by repeated addition? Multiplication जो है repeated addition है. क्या उसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? अभी मान लीजिए मैं 3 + 3 क्या होता है? 6 + 3 = 9 + 3 क्या हुआ? 12. ऐसे हुआ ना, तो यही हुआ ना 3 2 6 या हो गया ना, या टू 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 टाइम्स है ना. 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 2 टाइम्स ऐड हुआ है तो उसका ही आंसर है. 3 कितनी बार है? 1 2 3. तो 3 3 9 हुआ ना. 3 3 1 2 3, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 9 यहाँ पे आंसर आ रहा है. देखिए मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन. आप लोग को टेबल्स नहीं आता है तो बहुत लोग ऐसे करते हैं. 2 टेबल्स नहीं आता है तो 2 1 2, 2 2 4, नहीं आता है तो 2 के बाद 3 4, फिर बाद में स्किप काउंटिंग करते जाते हैं 5 6 7 8 ऐसे करके काउंट कर करके. अभी मान लीजिए मुझे 9 सपोजिंग आई आई 3 5 15 मुझे मालूम है, मैं अटक गई. 3 6 मुझे मालूम नहीं है तो मैं यहाँ पर 3 लूंगी, 15 के बाद 16 17 18, तो मुझे आ गया 3 6 18 करके मुझे आ गया. करेक्ट? तो मैंने क्या किया, उसको ऐड किया. क्योंकि 3 टेबल्स में हूं तो मैं रिपीटेड 3 को ऐड करती जाऊंगी. दैट्स व्हाई वी से मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन. दैट इज द नेम ऑफ इट. ओके यस अंजलि सोनी से क्लियर. So you should know the terms in English, how to express to a child in English. All right? Yes, now we will go to the division. So I will ask you in the question कि इसका आंसर क्या होता है. प्रॉड आंसर को क्या बोलते हैं? इसका आंसर को सम बोलते हैं. इसके आंसर को क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन को डिफरेंस बोलते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस? और इसका आंसर को अभी हमने पढ़ा था प्रोडक्ट. करेक्ट? नाउ वी हैव टू सी द डिवीजन. डिवीजन के आंसर को बोलते हैं क्वोशन्ट. रिसेंटली हमने एक इंटरव्यू रखा था टीचर्स का, तो उसमें ऐसे ही वो क्वोशन्ट क्या है पता नहीं पाए थे. एक डिवीजन में क्या क्वोशन्ट है, क्या रिमाइंडर है, वो नहीं बता पाए थे. उनको आता है कॉन्सेप्ट डिवीजन करना, मगर वो कहाँ पे अटकी, तो उनको कौन सा क्या टर्म्स है नहीं आया, इसलिए वो उनको हम क्या बोले क्या टीचर के हिसाब से उनको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज क्वेश्चन, व्हाट इज रिमाइंडर, व्हाट इज डिवाइसर, ऑल दैट दे शुड नो इट. सही. नाउ डिवीशन, लेट्स गो फॉर डिवीशन. नाउ डिवीशन मींस व्हाट? इट टेल्स अ नंबर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन. अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहां पर क्या है? सर्टेन टाइम्स. मल्टीप्लाई में क्या हुआ? सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, मगर यहाँ पर क्या है? डिवाइड इट इंटू अ सर्टेन नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप्स. ये हुआ आपका डिविशन का. सो एक नंबर ओके टेल्स अस अबाउट अ नंबर दैट हाउ मेनी टाइम्स इज डिवाइडेड इंटू अ सर्टेन नंबर ऑफ ग्रुप्स, इक्वल ग्रुप्स. तो अभी इसको हम लोग समझेंगे.
Okay, now this I'm rubbing the board because I need space to write here. Right. So what? Now, as I told you, multiplication means repeated addition. Like that, division means it is repeated subtraction. What is it? It's repeated subtraction. How? If you see over here, if I see, अभी मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 2 10 बता रही हूँ. अभी 10 में से मैं 5, तो यहाँ 1 time हुआ 5, यहाँ पर वापस 5 सब्रैक कर रही हूँ, 0 आ गया मुझे, तो ये हो गया. ओके, आई मीन इफ आई एम गिविंग डिवीजन, आई विल गिव यू लाइक दिस. ओके, सो यहाँ पर मैं डिवाइड करके देख रही हूँ. राइट, तो आंसर आया 2 times यहाँ पर. सो 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2, करेक्ट. सो इफ आई डिवाइड लाइक दिस, दिस इज ओनली द क्वोशंट, ये ही है क्वोशंट और ये ही है रिमाइंडर. ओके, बस क्या लिखे हैं? हिंदी में बोलते हैं बागफल, करेक्ट. या बागफल, करेक्ट. तो यही है, उनको हिंदी में बोलना आया, मगर हिंदी में भी आई थिंक शी डिडंट नो इट. सो यू शुड नो इट इवन इन इंग्लिश. ओके, व्हेन यू आर गोइंग टू टीच चिल्ड्रन, यू शुड टेल देम, बिकॉज व्हेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये सब जाएंगे तो आपको ये सब टर्म्स जो है मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज अ रिमाइंडर. ओके, राइट, शैल आई गो टू द नेक्स्ट? यस, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, शैल आई गो टू नेक्स्ट? दिस इज कॉल्ड द डिविडेंड एंड दिस इज कॉल्ड द डिवाइसर. सो डिवाइसर, डिविडेंड, क्वोशंट एंड देन दिस वन इज द रिमाइंडर. क्लियर? मैं नीटली लिख देती हूँ आपको और एक बार समझ में आएगा. ओके, आई मीन ओके, नाउ दिस वन इज द डिवाइसर. ओके, दिस वन इज द क्वोशंट, दिस वन इज द डिविडेंड एंड दिस वन इज द रिमाइंडर. क्लियर? अगर हमको आंसर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिवाइसर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मालूम पड़ जाएगा ना. 2 5 10. यस, क्या चैट बॉक्स में लिखा है? 2. ओके, आंसर लिखा है 2. ओके, ऑल राइट, शैल आई गो टू द नेक्स्ट नाउ? यस, सो दीज आर द बेसिक मैक्स 4 ऑपरेशंस विच यू हैव टू नो. एंड देयर व्हाट इज द प्रोडक्ट, वेदर इट्स कॉल्ड अ प्रोडक्ट और इट्स कॉल्ड अ डिफरेंस और इट्स कॉल्ड अ सम और इट्स कॉल्ड अ क्वोशंट, एवरीथिंग यू शुड नो इट. ओके, यस, एनी डाउट्स इन दिस? सो इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द ऑर्डर डज नॉट, आई मीन इन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन द ऑर्डर डज नॉट मैटर. यानी कि उसका क्या मतलब है, ऑर्डर डज नॉट मैटर. तो 2 प्लस 5, आई मीन 2 प्लस 3 एंड 3 प्लस 2, दोनों का एक ही आंसर आएगा बराबर. ये कैसे भी ऐसे से ऐसे, ऐसे से ऐसे स्विच होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है. वैसे मल्टीप्लीकेशन में भी ऐसे ही है, दोनों का आएगा, मगर डिविजन डिविजन और सब्ट्रैक्शन में ऐसे ऑर्डर स्विच नहीं हो सकता है. होगा तो आंसर आपको अलग आएगा, माइनस में आएगा, करेक्ट. सो यू हैव टू नो दिस, द ऑर्डर डज नॉट मैटर इन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, बट इन सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन, इन सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन ऑर्डर कैन नॉट बी स्विच्ड.
order can't be switched. For example, if I write 10 minus 1, if I write 1 minus 10, ये दोनों ये ऐसे लिख सकती है, इसका आंसर जो है मेरे को सेम नहीं आएगा. आंसर विल नॉट बी सेम, इट विल बी डिफरेंट, राइट? नॉट बी सेम. तो ये कैनॉट बी स्विच्ड है, ये कैन बी स्विच्ड है. दैट्स ऑल. शैल वी गो फॉर एनालिटिकल रीजनिंग? यस. सबके पास मैचस्टिक्स है? यस. तो अभी आपको मैचस्टिक्स आपके पास है तो आप लोग सब ले लीजिए मैचस्टिक्स. ओके. क्योंकि आपको उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, इसलिए मैं इन डेप्थ और नहीं जा रही हूँ कि कैसे ऐड करना, कैसे मल्टीप्लाई करना, कैसे डिवाइड करना, क्योंकि वो यू ऑल सेड यू नो हाउ टू डू द कैलकुलेशंस. आई जस्ट वांटेड यू टू नो द टर्म्स अबाउट हाउ टू टेल इट इन इंग्लिश. ओके. सो लेट्स गो नाउ एंड डू समथिंग. जैसे जैसे मेरा किसमें इस मैथस्टिक से आप लोग चार बॉक्सेस पहले बनाइए, साथ साथ में बनाइए. कैमरा ऑन कर लीजिए, टर्न ऑन योर कैमरा एंड इफ यू कैन शो व्हाट यू आर मेकिंग इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी टू सी. आप लोग क्या बना रहे हैं वो दिखा दिखा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, ताकि हम लोग देखें कि आप लोग क्या कर रहे हो. कैमरा टर्न ऑन कीजिए, टर्न ऑन योर कैमरा प्लीज. Now there are four squares, right? How many squares are there? How many squares are there? Four squares are there, right? No doubt, baby Shaji is saying, right? Who's all? No one is turning on their camera today. No issues if you all are. Okay, right. So we have four squares here. Now I want you, we have how many squares? We have four. I want you to make three squares. इसमें से तीन स्क्वायर बनाइए, थ्री स्क्वायर्स. कोई भी माचिस की तीली मैचस्टिक उठा के बाहर नहीं रखना चाहिए, इससे ही मैचस्टिक्स के साथ आपको तीन स्क्वायर बनाने हैं. बनाइए, इसलिए बोल रहे हैं कैमरा ऑन करके. अब बताइए बना दिया तो, या तो यू कैन सेंड मी ऑन जूम इफ यू हैव मेड इट. हाउ यू हैव मेड इट आई वुड लाइक टू सी. I'll give you just 2 minutes time. Yes, finished. Shall I tell you who got the answer? Answer mil gaya to yes karke bataiye chat box mein. Who got the answer? No one is typing the chat box. No one got the answer. No one knows how to do. You all are trying. ओके. सब लोग ट्राई कर रहे हो. और एक मिनट दूं क्या या हो गया? थम्स अप दे दीजिए अगर नहीं हो रहा तो. मैं आंसर बताऊं तो थम्स अप दीजिए. ऑल राइट, शैल आई टेल यू द आंसर? ओके. बेबी शाह जी बोल रहे हैं नहीं हो रहा है, थम्स अप दे दिया, आप आंसर बता दीजिए. राइट बेबी शाह, ऑल राइट. ओके. अंजलि सोनी सेस यस. सॉरी मैम, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ. किरण वर्मा, नो इश्यूज किरण वर्मा, यू कैन सी फ्रॉम नाउ. आई वाज टॉकिंग अबाउट द अरिथमेटिक ऑपरेशंस, फोर मेन बेसिक ऑपरेशंस, नो इश्यूज. ओके. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज दीस फोर स्क्वायर्स यू हैव टू मेक इट इनटू थ्री. सो वन वन ऑफ द स्क्वायर आई हैव टू डिसॉल्व. एक स्क्वायर को मेरे को निकालना पड़ेगा. ओके. मैं मान लीजिए मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ, और यहाँ पर मैं तीसरा, मैं यहाँ पर तो मुझे एक और दो है, मैं यहाँ पर और एक स्क्वायर बनाऊंगी तो मुझे हो जाएगा. तो मेरे को लगता है एक दो तीन ऐसे बनाऊंगी, तो इसको निकाल के मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, तो ऐसे मुझे निकाल के सोचना पड़ेगा. अभी देखिए, एक दो तीन बन गए ना. यस राइट. सो क्या किया मैंने, व्हाट डिड आई डू? इवन साधना हैज जॉइन नाउ ओनली. ओके. गुड मॉर्निंग साधना, गुड मॉर्निंग साधना, नो इश्यूज,
You can see the video later. Okay. So what happened? So what did I do? It was here. Again, I will repeat. I will repeat again. I had four squares over here. I need to make three squares. So what I want to do, either I want to make a square here or there. I thought I will make it here. I just removed this because I want two and I want to make here one. So I'm making it here. And then I'm taking this because I have to deserve, no, right? So I have to move. So you can even put conditions like आपको तीन तीलियां ही हटानी है, थ्री मैच स्टिक्स ओनली यू हैव टू रिमूव एंड यू हैव टू मेक थ्री स्क्वायर्स फ्रॉम फोर स्क्वायर्स यू मेड टू थ्री स्क्वायर्स, करेक्ट? ओके, समझ में आ गया तो थम्स अप दीजिए. आई विल गो टू द नेक्स्ट. शैल आई गो टू द नेक्स्ट? सो नेक्स्ट इज I am going to have three squares and I have to make it to two. See here, I'm having three squares. I have to make it to two. Ek, do, teen, three. Square माने क्या? What is a square? All the sides are equal. Very good. Who's sending me this? Yes, very good, baby Shaji. See here, she sent me. Very good. All right. वेरी गुड देवी शाह जी. किसने भेजा है? गुड मॉर्निंग मैम, सॉरी. संगीता देवी, सब लोग अभी ज्वाइन हो रहे, क्यों आपने ग्रुप में नहीं देखा कि इंग्लिश क्लास होने वाला है? ओके, नाउ दिस वन इज वी हैव थ्री एंड वी हैव टू मेक हाउ मेनी, टू स्क्वायर्स. नाउ वी हैव थ्री स्क्वायर्स, वी हैव टू मेक टू. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर ट्राइंग? ट्राई कीजिए. सी, ट्राई कीजिए. कितने लोग ने ट्राई किया? मैं वेट कर रही हूं. यहां पर भी थ्री थ्री स्टिक्स को ही आप मूव कर सकते हो. थ्री स्टिक्स को मूव करके आप दो तीन स्क्वायर का दो बनाओगे. ट्राई कीजिए. यस, ओके. नहीं हो रहा है, मैं ट्राई कराऊं? मैं पहले एक बड़ा स्क्वायर बनाना चाहती हूँ क्योंकि ये दो है तो इनको ही मैं ट्राई करके बड़ा बनाऊंगी. तो मैं यहाँ पर से एक निकाल रही हूँ मगर ये बन गया रेक्टेंगल यानी कि आयत, करेक्ट? आपका रेक्टेंगल बन गया. तो मगर मुझे तो चाहिए स्क्वायर चाहिए. ठीक है, मैं क्या करती हूँ, इसको मैं बड़ा करने की कोशिश करती हूँ. एक स्क्वायर बना तो ये मुझे अभी आंसर मिल गया. इजी है ना? देखिए, इन दोनों को नीचे लाऊंगी तो बड़ा स्क्वायर बन जाएगा ना. इधर देखिए, अभी मैंने क्या किया, पहले मैंने यहां से हटाया तो यहां से ये बन गया रेक्टेंगल. रेक्टेंगल यानी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके, रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. यहां पर ये दोनों इक्वल है, ये पे है. स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल. मगर मुझे क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए ना, टू स्क्वायर्स चाहिए. तो यहाँ पर तो एक रेक्टेंगल बन गया, एक स्क्वायर बन गया. तो मैंने यहाँ पर रखा, फिर मुझे दिखने से मालूम पड़ रहा है इसको अगर मैं नीचे खींचूंगी ये बन जाएगा बड़ा सा स्क्वायर. देखिए, बन गया ना, नंबर वन नंबर टू. ओके, यस, एनी डाउट्स? सो यू हैव टू कीप मूविंग एंड सीइंग How it will work. Like this, you can ask your children to think out of the box and do things. It will improve your creativity and analytical thinking. All right. Shall I go to the next? Any doubts so far in my arithmetic operations and any doubts in this? No doubts. Okay. Okay. So now we will be going to a game.
ओके, आई होप यू ऑल रिमेम्बर व्हाट ऑल वी लर्न. फोनिक्स में क्या सीखा था, रिलेशंस में क्या सीखा था, कि कौन हमारे कजिन है, कौन नेफ्यू है, नीस है, आंट है, अंकल है, उस सब का अभी मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ आपसे. फोनिक्स में किसको क्लोज सिलेबल बोलते हैं, ओपन सिलेबल बोलते हैं. ओके राइट. सो यस, वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट. गणेश सर, जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. गणेश सर, गणेश सर, आर यू देयर? ऑल राइट, ही सीम्स टू बी बिजी. सो आई विल डू द स्क्रीन शेयरिंग एंड वी विल स्टार्ट. ओके.